गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुधाकर सर एंड टुडे आई टीच टू यू क्लास 6 मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, क्लास 6 मैथमेटिक्स में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें आप पढ़ेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। और मैंने शेप्स के एरियाज में आपको आज पढ़ाऊंगा। क्लास 6 की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 10.3 है, जिसमें आप पढ़ेंगे एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है आपको कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का आप एरिया निकालिए, किसका? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको एक रेक्टेंगल्स का एरिया निकालने के लिए बोला है, और जिसकी लेंथ आपको दी गई है, सपोज द एक उसकी लेंथ क्या है, हुज लेंथ, लेंथ आपको दिया है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ दिया है 4 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ आपको मालूम है, आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। क्योंकि रेक्टेंगल में हमें दो ही चीज़ें मिलती हैं, एक लेंथ मिलती है और ब्रेथ मिलती है। स्क्वायर में हमें साइड्स ओनली मिलती है, जिसमें हम साइड इनटू साइड लिखते हैं। ट्रायंगल में हमें क्या मिलता है, हाइट मिलती है, बेस मिलता है, तो हाइट इंटू 1/2 हाइट इंटू बेस लिखते हैं ट्रायंगल में। और तो इसमें हम अभी थ्री ही टर्म की बात करेंगे, यानी ट्रायंगल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का। तो इसमें आप देखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 4 सेंटीमीटर, और 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन, आप लेंथ के प्लेस पे 3 सेंटीमीटर लिखेंगे, ब्रेथ के प्लेस पे 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, अगर हमें उसका एरिया निकालना है तो आप दोनों का मल्टीप्लाई करके, रेक्टेंगल्स का अगर हमें एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल पे लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करके आप एरिया निकाल सकते हैं। सपोज ना हमारे पास एक सेकेंड क्वेश्चन दे दिया, एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें आपको लिख दिया है कि 12 मीटर एंड 21 मीटर, फिर इसके बाद इसमें 12 मीटर 21 मीटर, तो आप क्या करेंगे, कुछ ना करेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे 12 मीटर, यहाँ पे लिख देंगे 21 मीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 21 2 42 का 2 कैरी है 4 21 1 21 4 25 252 मीटर स्क्वायर आंसर, 252 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन का एरिया निकाल सकते हैं। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन का फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, कुछ साइड आप फाइंड द एरिया, आपको बोल दिया सेकंड नंबर क्वेश्चन में स्क्वायर का निकालिए, किसका निकालिए, स्क्वायर का। स्क्वायर तो आप लोग जानते ही हैं, वर्ग जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है, ये आपको पहले से मालूम है। तो फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें बोल दिया फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, कुछ साइड जिसकी साइड आपको मालूम है, कुछ साइड, साइड दे दिया है पहले नंबर, ए नंबर पे दे दिया 10 सेंटीमीटर। अब साइड तो हमें 10 सेंटीमीटर मिल गए, साइड क्या मिल गई 10 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर लिख देंगे आप यहाँ पे साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड मतलब यस इनटू यस, साइड कितना है 10 सेंटीमीटर इनटू 10 सेंटीमीटर। अब 10 10 कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, एरिया को हम इसे स्क्वायर में लिखते हैं, आपको मालूम है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल आया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। थर्ड नंबर पे भी बोला है कि आप क्या निकाले, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल आर गिवन इच बिलो, लेंथ और ब्रेथ दिया है तीनों रेक्टेंगल की, आप एरिया निकालेंगे फिर बताएंगे किस रेक्टेंगल के एरिया ज़्यादा है, इसको कर लेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। इसमें कहता है 4 नंबर में द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन की एरिया निकालने के लिए बोलता है। फिर ये कहता है लेंथ 500 और एरिया हमें पहले से दिया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग एंड 300 स्क्वायर मीटर एरिया दिया है, और लेंथ दिया है, हमें ब्रेथ फाइंड करने के लिए बोला है। फोर नंबर क्वेश्चन बोला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन
गार्डन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज, 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। फिर बोलता है व्हाट इज द स्क्वायर, इसमें बोलता है निकालने के लिए फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन, फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन, विड्थ ऑफ द गार्डन आपको बोला है विड्थ निकालिए द गार्डन। स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे आप देखते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, इस क्वेश्चन पे हम आप देखते हैं तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन पहले से ही पता है कि 300 स्क्वायर मीटर है, और लेंथ ऑफ द गार्डन जो है वो भी पता है 50 मीटर है, ब्रीथ ऑफ द गार्डन निकालना है, क्या निकालना है ब्रीथ ऑफ द गार्डन निकालना है, तो सोल्यूशन 4 डालेंगे, सोल्यूशन 4, और यहाँ पे लिखेंगे जो हमें पहले से पता है एरिया ऑफ द गार्डन, एरिया ऑफ द गार्डन, एरिया ऑफ द गार्डन जो हमें मिला है गार्डन वो कितना मिला है 300 स्क्वायर मीटर। ओके फिर इसके बाद लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ जो मिला है, लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ ऑफ द जो गार्डन मिला है वो हमें मिला है 50 मीटर। ओके फिर इसके बाद हमें निकालना है क्या कि ब्रीथ, तो ब्रीथ ऑफ द गार्डन क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ गार्डन इसका फार्मूला होगा स्टूडेंट गार्डन एरिया अपॉन लेंथ, क्या हो जाएगा एरिया अपॉन लेंथ, एरिया में जो होगा वो लेंथ, एरिया में जो लेंथ का डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा विड्थ ऑफ गार्डन। तो एरिया हमारा कितना है 300 स्क्वायर मीटर और लेंथ कितना है 50, अब इसको डिवाइड कर दी, 0 से 0 डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा 30, 5 से 30, तो आपको कितना मिलेगा 6 मीटर, कितना मिलेगा 6 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो विड्थ ऑफ द गार्डन कितना हो गया 6 मीटर, और लेंथ ऑफ द गार्डन कितना था 50 मीटर, और ये 50 × 300 स्क्वायर मीटर होता है, ये कंप्लीटेड। तो 4 नंबर क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टिलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड, रेट 8 रुपये पर मीटर पर 100 स्क्वायर मीटर। इसमें कहता है कि हमें अपने खेत में यानी प्लॉट में टिलिंग कराने के लिए टिलिंग कराना है, और उसमें बोलता है कि यदि हमारे प्लॉट की लेंथ 500 मीटर है और ब्रीथ जो है वो 300 मीटर है, कितना है 500 मीटर लेंथ बोला है और ब्रीथ जो बोला है 200 मीटर है, तो आप उसमें कहता है कि यदि 8 रुपये पर 100 मीटर का रेट देते हैं तो कितना देंगे। तो स्टूडेंट पहले आपको ये समझना है कि हम स्क्वायर मीटर देते हैं तो हम इन दोनों का पहले एरिया निकालेंगे, लेंथ हमें कितना 500 मीटर मालूम है प्लॉट की, ब्रीथ विड्थ कितनी मालूम है 200 मीटर मालूम है, एरिया प्लॉट निकालेंगे लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितना हो जाएगा 500 मीटर, ब्रीथ कितनी हो जाएगी 200 मीटर, 500 × 200, अब आपको मिलेगा 5 पूजा कितना मिला 10, और यहाँ पे 0040 तो 50 हो गया, तो 100,000 मीटर स्क्वायर मिल गया, क्या मिल गया 100,000 मीटर स्क्वायर। अब ये आपको मालूम है कि 100 मीटर स्क्वायर का कितना लगता है 8 रुपये लगता है, तो 100,000 मीटर स्क्वायर को कितना लगेगा, तो आप लिखेंगे इसको ब्रेक करके लिख लेंगे तो 1000 × 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर को आपने 8 रुपये लिख दिया, 8 × 100 1000, तो 8000 रुपये आपको लगेगा, कितना लगेगा 8000 रुपये लगेगा, और इस तरह हम कैलकुलेशन कर देंगे, 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। रही बात क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसमें बोलता है कि यह टेबल टॉप, एक टेबल टॉप है जिसे मेजर किया गया है, क्या नापा गया है 2 मीटर × 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, टेबल टॉप की लेंथ को 2 मीटर नापा गया है और उसकी ब्रिथ को 1 मीटर 50 सेंटीमीटर नाप दिया गया है। फिर इसमें बोलता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर, तो उसका स्क्वायर मीटर में आंसर कितना होगा, अब देखेंगे स्टूडेंट वो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर ब्रीथ है और लेंथ है 2 मीटर, तो जब इसको हम लिखेंगे तो 2 मीटर हो गया और 1.5 मीटर हो गया,
हो गया। अब 100 को 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को 1.5 मीटर लिख सकते हैं। अगर एरिया आप टेबल टॉप निकालेंगे तो लेंथ 2 मीटर हो गई, विड्थ 1.5 मीटर हो गए। तो 2 का 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीटर स्क्वायर आ गया, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा 7 नंबर क्वेश्चन बोल दिया, अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग, एक कमरा है जो 4 मीटर लंबा है। फिर कहता है कि एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड यानी 3 मीटर 50 सेंटीमीटर छोड़ा है। फिर कहता है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ है कारपेट इन नीडेड टू कवर फ्लोर इन द रूम, तो हमें कितने स्क्वायर मीटर के है वो कारपेट मतलब चटाई की जरूरत पड़ेगी उस फ्लोर को, उसके फ्लोर को ढकने के लिए, फर्श को ढकने के लिए। तो लेंथ के हमारे पास 4 आ गई, ब्रिथ हो गई 4 मीटर और ब्रिथ हो गई 3.5 मीटर। मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट, एरिया आप निकालेंगे, पहले फ्लोर लिखेंगे फिर एरिया फ्लोर, तो आपको आएगा 3.5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 5 में 20 का 0 कैरी आया, टू मतलब 4 3 12 2 14, तो आपको 14 मिल गया। अब 14 ये मीटर स्क्वायर मिला, तो हमें 14 मीटर स्क्वायर की कारपेट की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा क्या हुआ, सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 ये नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।